हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज अपन 10th SST का ज्योग्राफी का टॉपिक कर रहे हैं, रिसोर्सेस। तो देखो, जो भी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जिन भी चीज़ों को यूज़ किया जाता है वो रिसोर्सेस कहलाते हैं। ठीक है, कैन बी यूज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स और वॉन्ट्स। कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो रिसोर्स कहला सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले एग्जाम्पल को लीजिए, मान लेते हैं ये एक टेम्पल है। ठीक है, अब टेम्पल के नीचे में क्रूड ऑयल या गोल्ड या कुछ भी ऐसा कुछ मिला, तो अब इसे रिसोर्स के तौर पे यूज किया जा सकता है या नहीं, ये डिपेंड करता है इन तीन कंडीशंस पर। ये तीन कंडीशंस क्या है? पहली बात, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी वो रिसोर्स कहलाएगा। क्या क्या टेक्निकल असेसिबल है, यानी हमारे पास क्या ऐसी मशीन्स हैं कि अपन इस टेम्पल के नीचे से ऑयल निकाल सकें। दूसरा, इकोनॉमिकल फिजिबल, क्या ये इकोनॉमिकल रहेगा, यानी हमारे लिए फायदेमंद रहेगा कि हम इस यहाँ से क्रूड ऑयल निकालें। ये नहीं कॉस्ट ज़्यादा लग जाए और इतना फायदा ही नहीं हो, इतना क्रूड ऑयल नीचे हो ही ना। और तीसरा, कल्चरली एक्सेप्टेड, यानी वो कल्चर जो उसको एक्सेप्ट करेगा, यानी क्या वो आपको जो वहाँ की सोसाइटी है वो वहाँ से क्रूड ऑयल निकालने की परमिशन देगी, क्योंकि उसके लिए टेम्पल को तोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या टेक्निकल असेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेड होना चाहिए, तभी आपका कोई चीज जो है वो रिसोर्स कहला सकता है। सही है। तो अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस कि रिसोर्सेस जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है? ये होते हैं एक तो बायोटिक रिसोर्सेस और एक होते हैं अबायोटिक रिसोर्सेस। बायोटिक रिसोर्सेस जो वो होते हैं जो कि ऑल लिविंग थिंग्स हैं, जैसे ट्री, प्लांट, ह्यूमन, एनिमल, इंसेक्ट, ये सब लिविंग है, इनमें जीवन है। दैट्स वाई ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं और ये बायोटिक रिसोर्सेस कहलाते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेस किनको कहते हैं? जो नॉन लिविंग है, जैसे ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे अर्थ, एयर, वाटर, रॉक्स, ये सब क्या हैं? आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। हम पढ़ रहे हैं क्या? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। आगे चलें। नेक्स्ट आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी से मतलब है कि वो खत्म हो जाएंगे तो क्या उनको रिन्यूअल किया जा सकता है, तो वो कहलाएंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेस, और अगर उनको रिन्यूड नहीं किया जा सकता तो फिर वो कहलाएंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस का मतलब रेप्लेन्ड आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, यानी इनको वापस पैदा किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है आपका एग्रीकल्चर क्रॉप्स, भाई 3 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में आप वापस से क्रॉप को उगा सकते हो, तो ये है रिन्यूएबल। कुछ होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जिनको कि आप वापस रिप्लेस या रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनको रिप्लेस होने के लिए मिलियन ईयर्स चाहिए होते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स, जो क्रूड ऑयल आपका बना है वो फॉसिल फ्यूल से बना है और इसके लिए लाखों साल लगते हैं। ऐसे एग्रीकल्चर जैसे कोई 3 महीने 6 महीने में पैदा नहीं होगा। दैट्स वाई, क्योंकि हम इसे अपनी लाइफ टाइम में देख ही नहीं सकते, इसलिए इसको क्या कहा गया है? नॉन रिन्यूएबल। तो ये हो गया एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कि उन रिसोर्सेस की ओनरशिप किसके पास है। तो देखो, एक तो होते हैं इंडिविजुअल ओनरशिप, यानी जैसे आपका घर है, आपका फार्म है, इसके आप इंडिविजुअल ओनर है, आप उसको खुद एंजॉय कर सकते हैं। एक होता है कम्युनिटी ओनरशिप, ये आपकी इंडिविजुअल नहीं होती, यानी जैसे पार्क है, अब आप कह दो आपकी कॉलोनी का कोई पार्क है कि ये तो हमारा है, ऐसा नहीं हो सकता, वो कम्युनिटी के लिए है ना। इसके अलावा ब्यूरल ग्राउंड, तो वो ब्यूरल ग्राउंड है, वो भी सबका होता है, कोई एक जने का थोड़ा होता है। इसके अलावा नेशनल कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो भी होते हैं, जैसे रोड्स हैं, रेलवेज हैं, ये सब ठीक है, ये नेशनल कहलाते हैं। इसके अलावा अगर अपन इंडिया के साउथ इंडिया का पार्ट देखें, ये वाला और ये वाला सी एरिया जो आपका है, इसमें मैं आपको बताऊं, सी एरिया के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी आपके रिसोर्सेज मछलियां हैं या मिनरल्स हैं, कुछ भी मिल रहा है, वो सब नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आता है। ध्यान देना, उसकी रेंज है 12 नॉटिकल माइल्स। सही है, इसको किलोमीटर्स में कहते हैं 19.2 किलोमीटर्स। देखो, इंटरनेशनल सी को समझने के लिए पहले आप देखिए, ये साउथ इंडिया का आपका एरिया है, इसमें 12 नॉटिकल माइल्स तक तो आपका जो है नेशनल रिसोर्सेज में आता है,
200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो है वो इंटरनेशनल सी आता है। तो सर फिर ये बीच वाला एरिया कौन सा है? तो कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल माइल्स के बाद, लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स से पहले जो एरिया आता है वो कहलाता है ईईजेड, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये हमारी नेशनल जो रिसोर्सेज हैं उसकी रेंज के बाहर है, लेकिन इंटरनेशनल सी के अंदर है। ये बहुत एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो इसमें अगर इंडिया को कोई मिनरल निकालने हो तो पहले यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी कि ये जो एरिया है ये हमारे एरिया के जस्ट पास में है, तो हमें यहाँ से मिनरल निकालने की परमिशन चाहिए। इंटरनेशनल एरिया में जब चल जाते हैं तो वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं, कोई भी उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है। लेकिन ये जो आपका है एरिया बीच का, नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल सी के बीच का एरिया, इसके लिए ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है, और इसके लिए आपको परमिशन मिल सकती है, लेकिन आपको इसके लिए यूएनओ से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये आपका क्या है, इंटरनेशनल सी एरिया कहलाता है। जैसे कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर एक एग्जांपल है बॉम्बे हाई, वो इंडिया से 280 किलोमीटर दूर सी एरिया में है, और यहाँ से हम जो है पेट्रोल निकाल रहे हैं, उसके लिए हमने यूएनओ से परमिशन ले रखी है। सही है, आगे चलते हैं। देन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, क्या भाई वो जो रिसोर्सेज हैं, चीज फोर्थ टाइप कर रहे हैं अपन, वो जो रिसोर्सेज हैं उनका भी स्टेटस क्या है डेवलपमेंट का। एक है पोटेंशियल रिसोर्सेज फाउंड, यानी जिनका हमने पता लगा लिया है बट नॉट यूज्ड प्रॉपरली, लेकिन उनका यूज अभी तक प्रॉपरली नहीं हुआ है। जैसे राजस्थान में सोलर एनर्जी, खूब धूप पड़ती है, खूब गर्मी पड़ती है, लेकिन सोलर एनर्जी की जितनी पॉसिबिलिटीज यहाँ है उनका यूज अभी तक नहीं हुआ है, तो ये पोटेंशियल रिसोर्सेस कहलाएगा। ऐसे गुजरात में, राजस्थान में भी है वैसे, विंड एनर्जी, तो हवा खूब चलती है गर्मी के कारण, आंधी तूफान काफी आते हैं, बट उनका प्रॉपर यूज विंड एनर्जी के तौर पे अभी तक नहीं हुआ, तो ये भी क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज है। एक आता है आपका डेवलप्ड रिसोर्सेज, यानी जो डेवलप किया जा चुका है, सर्वे किया जा चुका है जिसके यूटिलाइजेशन के लिए, और प्रेजेंट में जिसका यूज भी आ रहा है, जैसे कि कोल, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, डेवलप्ड। पोटेंशियल है कि वो रिसोर्स तो है बट अभी तक प्रॉपरली यूज नहीं आ पाया, और ये वो है जिसका यूज हम प्रेजेंटली कर रहे हैं। एक आपका आता है स्टॉक, स्टॉक क्या अवेलेबल है बट नॉट हैविंग प्रॉपर टेक्नोलॉजी, लेकिन हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम उसका यूज कर सकें। जैसे H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलाकर पानी बनता हमें पता है, लेकिन हम इतनी ज़्यादा, तो पानी की सब जगह एक्यूट स्कैर्सिटी है, बहुत कमी है, लेकिन फिर भी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाई क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पानी बना सकें। बस ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपन लैब के अंदर बना लेते हैं, लेकिन बड़ी क्वांटिटी में बनाना हो ये हमारे लिए आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। और कुछ हैं आपके रिजर्व, रिजर्व का मतलब है अवेलेबल है, हमारे पास जानकारी भी है लेकिन हमने उनको यूज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि टू बी यूज्ड बाय द फ्यूचर जनरेशन, इनका यूज जो है वो फ्यूचर जनरेशन करेगी। जैसे हमारे फॉरेस्ट रिजर्व, हर एरिया के अंदर कुछ फॉरेस्ट रिजर्व बना दिए गए हैं जिनके अंदर नो कंस्ट्रक्शन जोन होती है, वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता और वहाँ इंसान भी नहीं रह सकता, वो केवल जंगली जानवरों के लिए है। जैसे सरिस्का है, रणथंभौर है, और भी बहुत सारे, मानस आसाम के अंदर है, बहुत सारे, जिम कॉर्बेट है, बहुत सारे जो है फॉरेस्ट रिजर्व बना रखे हैं और इनके अंदर नो कंस्ट्रक्शन जोन है क्योंकि ये हमने फ्यूचर जनरेशन के लिए रख छोड़े हैं। सही है, आगे चलते हैं।